केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ कहता है मान लो कोई प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे, जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ 365 डेज में अपना एक पूरा चक्कर काट लेगी, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन के टाइम को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। अर्थ का रेडियस सन से चेंज हो रहा है, आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन, तो मैंने एवरेज रेडियस ले लिया आर। अब कौन चेंज करेगा, तो मैंने मान लिया कि वो आर रेडियस में, और क्वेश्चन में एवरेज रेडियस ही गिवन होता है आर। तो केपलर के थर्ड लॉ ने ये बताया कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो उसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के हमेशा प्रोपोर्शनल है। ये केपलर का थर्ड लॉ है, लेकिन जिसका प्रूफ ग्रेविटेशन चैप्टर में है, रोटेशनल में नहीं है। तो ये कहाँ काम आता है, ये भी ग्रेविटेशन में काम आएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ इसको क्लोज करता हूँ। मान लो ये सन है और सपोज ये अर्थ इसके आसपास घूम रही है, अर्थ का कैपिटल टी कितने 365 डेज है, और अर्थ मान लो आर रेडियस में घूम रही है, बात खत्म। अब क्वेश्चन है, अगर मान लो एक और प्लैनेट घूम रहा होता पी, जिसका रेडियस सन से ट्वाइस है, तो बोलो इसका एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या होता। तो पहले हम केपलर का लॉ किस पे लगाते, अर्थ पे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फिर किस पे लगाते, प्लैनेट पे, टी डैश स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टू आर का क्यूब। इन्हें डिवाइड कर लेते, टी डैश का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज टू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। तो टी की वैल्यू कितनी है, 365 स्क्वायर। यहाँ से उस प्लैनेट का भी टाइम पीरियड आ जाएगा, मतलब आप अर्थ के साथ कंपेयर करके किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस लेके उसका भी अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड निकाल सकते हो। कौन रहेगा उस प्लैनेट पे जाके देखेगा कैलेंडर लगा लगा के, यहीं बैठ के कंपेयर करके उसने बता दिया कितनी देर में चक्कर पूरा करेगी। बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से, तो ये कोई छोटी बात नहीं है।